आ रहे हैं और ऊपर हैं जो इसकी रिवर्स करने के लिए लाइट ऐड की गई हैं। तो उसके साथ नीचे देख सकते हैं ब्लैक मैट इसका बंपर ऊपर सिल्वर कलर का हैंडल दिया गया है और उसके ऊपर ही बिल्कुल अगर आप गाड़ी रिवर्स करते हैं तो ये लाइट और उसकी और जलने लग जाती है। तो उसके साथ साथ ही उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कैमरा दिया है। जब आप गाड़ी रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने में आपको मसला नहीं होता, तो कैमरा आपकी देखने में एक उसके ये बटन है मीटर चेंज करने के लिए, ये चीज़ ठीक है। अगर आपको समझ आ गई हो तो उसके बाद ये देख सकते हैं कि आप हमारी ऑटो गाड़ी है। ऑटो गाड़ी में उन्होंने ऑप्शन दिया है पार्किंग का, रिवर्स का, न्यूट्रल का, ड्राइव का और एस का। एस मतलब ये है कि आपकी इसमें थोड़ी फ्यूल जो है एवरेज है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। उसके साथ यहाँ पर भी उन्होंने सिल्वर के साथ ऐड किया जो इको मोड है। अगर आप इको मोड अगर दबा देंगे, हम इको मोड दबा देते हैं, इको मोड दबाने से ये होगा कि जो आपकी फ्यूल की एवरेज है वो कम, मतलब इसको कम खाएगी। तो मतलब जैसे वो होता है ना कि अगर आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं कि अगर आप उसको थोड़ा रिजर्व पे लगा लेते हैं, अगर आप रिजर्व पे नहीं लगाते तो पेट्रोल ज़्यादा खाती है। तो ये इसका मतलब भी इको मोड लगाने का मतलब भी ये है। पावर मोड ये है कि जो यहाँ पर पावर मोड ऐड किया गया है, पावर मोड ऐड करने का ये है कि जब अपने गाड़ी को किसी को क्रॉस करना है तो यकदम उन्होंने ये पावर मोड लगाने के लिए गाड़ी ऐसे जहाज की तरह से शुरू होती है। तो ये इसके इंटीरियर की लुकिंग है, काफ़ी खूबसूरत लुकिंग है। ये साइड पे भी इन्होंने एक कप होल्डर के लिए जगह दी है। पर उन्हें ऐसी ऐसी फैसिलिटीज जो आपके गुमान में भी नहीं, जो जो आप चीज चाहते थे उन्होंने सब कुछ इसमें ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने एक आर्म रेस्टर दिया हुआ है, आर्म रेस्ट रखने के लिए और इसमें अपना सामान ऐड करने के लिए, सामान चीजें चीजें वगैरह रखने के लिए दें। यहाँ पर उन्होंने हैंड ब्रेक दी हुई है और इसके जो फीचर्स हैं LED के काफ़ी खूबसूरत है। अब जैसे जैसे मुझे भी इसके फीचर्स पता चलते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, ऑफ रोडिंग की सारी वीडियो दिखाऊंगा। दिखाता हूँ एसी कितने,
1, 2, 3, 4 और बैक पे 2 हैं, वो तकरीबन 6 हो गए। 6 उन्होंने विंडो दी हैं एसीज के लिए, तो यहाँ पर एसीज को हाई करने के लिए दिए गए हैं। यहाँ से एसी ऑफ होगा, यहाँ से एसी ऑन होगा। डुअल करने के लिए मतलब दोनों साइडें चलाने के लिए उन्होंने डुअल हम कर देंगे, डुअल को बंद कर देते हैं। यहाँ पर एसी हम पर हमारा चल रहा है और यहाँ से हमारी जो एसी की थ्रो है वो ज़्यादा होगी। आवाज़ से आप पहचान सकते हैं कि एसी की थ्रो जो ज़्यादा होगी। अब यहाँ से हम एसी की थ्रो को कम कर रहे हैं, तो ये हो गई कम। तो उसके बाद ये फ़ैन ऑफ करने के लिए यहाँ से बटन दिया गया है। उसके बाद ये देख सकते हैं कि आप सिगरेट्स के सिगरेट की जगह भी दी गई है। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। तो अब आपको मैं इसकी जो रूफ़ है उसके बारे में बताता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने सन ग्लासेज रखने के लिए यहाँ पर उन्होंने खूबसूरत जगह दिया है। यहाँ पर अपने सन ग्लासेज रख सकते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। ये सन ग्लासेज रखने के लिए उन्होंने स्पेशली जगह दिया है, ठीक है। तो अगर आप इसको डोर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इस साइड का डोर ये ऑन है, तो इस वजह से ये डोर लाइट्स ऑन थी, तो अब ये ऑफ हो गए। तो जैसे इसका कोई डोर हम खोलते हैं तो यहाँ से ये माइक से आवाज़ आती है, मैं आपको सुनाता हूँ। लाइट डोर राइट डोर इज ओपन। तो अब हम इसको बंद करते हैं तो फिर बोलेगी अब क्लोज, रियर इज क्लोज क्लोज, ठीक है। ये मतलब हर चीज़ की फीचर जो है वो हमें इसका है वाइट वाइट, नीचे सारा ही तकरीबन ब्लैक है। तो सिल्वर कलर की जो इसकी लाइनिंग है वो काफ़ी खूबसूरत है। ये उन्होंने एक अपने आर्म को रेस्ट देने के लिए उन्होंने ऊपर से हैंडल दिया गया है और साइडों से भी दिए गए हैं। तकरीबन यहाँ पर जो पीछे इसकी सीट है तीन बंदे आराम से बैठ सकते हैं और फ्रंट पे 2, तकरीबन ये 5 मेंस के लिए एक खूबसूरत गाड़ी है और ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है। तो अगर आपने दूसरे व्लॉग देखने हैं तो लिंक में जाकर ज़रूर देखें।